अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ से हम अपनी गेम को स्टार्ट करते हैं। हमने अपने ट्रक को स्टार्ट किया, रिवर्स करेंगे। प्रोग्राम में कंटेनर हमने पहले ही डाल लिए, तो अभी हम जाएंगे सीधा। कैमरा दिखाई नज़र नहीं आएगा। तो अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। हमने जाना है इस मैप को फॉलो करते हुए, हमने जाना है। साथ साथ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस कैमरे से थोड़ा गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये वाला कैमरा हम ज़्यादातर रखेंगे। तो हमारी गाड़ी जो है, क्योंकि पहला लेवल है, तो इसकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल लेवल पर 100 तक जाती है इसकी स्पीड, अगर फुल स्पीड में हो तो। अभी हम चाहेंगे सीधे ही साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। तो हमने जाना है, अभी हमारा रह गया 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर दूर अभी यहाँ पे वन वे आ गया। तो हमें वन वे से थोड़ा ध्यान से जाना है, क्योंकि वन वे पे आपको क्रॉसिंग जो है वो बहुत ध्यान के साथ करनी पड़ती है। लेकिन इस रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, बहुत कम ट्रैफिक होता है। लेकिन जब सामने से गाड़ी आ रही है तो फिर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसका ये मसला है। हमारा फील जो है वो लो हो गया। तो यहाँ से हम अभी जैसे ही पेट्रोल पम्प आते तो हम पेट्रोल पम्प पर जाएंगे। वहाँ से हम डीजल डलवाएंगे, क्योंकि डीजल बहुत कम है। और 223 किलोमीटर इस डीजल में नहीं हो पाता, हमें पहले टैंकी फुल करवानी पड़ेगी। इसका जो कंट्रोल है वो बहुत स्मूथ है, इसी वजह से इस कैमरे को जो है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, नहीं तो ये संभालना ही होता। मेरी ड्राइविंग भी आपको देख के हंसी आ रही होगी, लेकिन जब दूसरे वाला कैमरा ऑन होता है तो फिर उसको कन्वर्ट करते करते थोड़ा टाइम लग जाता है। उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो ये टक्कर खा जाता है किसी न किसी जगह पर। हम इंडिकेटर ऑन करेंगे। अच्छा, इसका ऑटो इंडिकेटर है, थोड़ी देर चलने के बाद सब बहुत ऑफ हो जाता है। तो अभी हम यहाँ से सीधे ही जाएंगे। सीधे जाने अल्लाह करे रास्ते में पेट्रोल पंप आ जाए। अगर पेट्रोल पंप ना आए तो फिर रास्ते में गाड़ी जो है वो रुक जाएगी और हमें फिर हेल्प लेनी पड़ेगी। हेल्प के एक्स्ट्रा 500 चार्जेज तो वो हमें पे करने पड़ेंगे, उसके बाद हमारा डीजल जो है वो आएगा। तो हमारा 500 रुपये खाती में लग गई। हमारी कोशिश ये है कि रास्ते में पेट्रोल पम्प कोई ना कोई आ जाए, ताकि हम साल के पेमेंट करने से बचें। उम्मीद तो है आगे आ जाएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि जब से निकले हैं एक भी पेट्रोल पम्प नहीं आया और एक ना एक लाजमी ही आता है। कैमरा चेंज करते करते ये पता खा गया। तो अभी हमारा 148 किलोमीटर रह गया और पेट्रोल डीजल भी जो है ना हमारा तो बिल्कुल एंड पे आ गया। अब देखते हैं कहाँ तक जाती है, जहाँ पर रुकती है वहाँ पर फिर हेल्प लेनी पड़ेगी हमें।
इसकी स्पीड भी एक तो कम है ना, जो दूसरी गाड़ियाँ आती हैं उससे नेक्स्ट लेवल पर। ये यहाँ पे खरीदनी पड़ती है पैसों से, तो पैसे बनेंगे वो जितने मैं इकट्ठे करूँगा, ज़्यादा पैसे इकट्ठे करूँगा तो ज़्यादा अच्छी वाली गाड़ी ले सकता हूँ, और अगर कम इकट्ठे करूँगा तो फिर इससे नेक्स्ट लेवल वाली गाड़ी मिल जाएगी जो 110 की जाती है उसकी स्पीड। तो हमारा पेट्रोल पम्प यहाँ पर आएगा, हम इंडिकेटर ऑन करेंगे, चले जाएंगे पेट्रोल पम्प कर लेते हैं गाड़ी। डीजल डलवा लिए, डीजल डलवा लिए तो गाड़ी हमारी जो मंजिल पर आसानी से पहुँच जाएगी। बारिश शुरू हुई है जी, हम यहाँ से जाएँ तो वाइपर भी ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आस्था भी कर सकते हैं, उसको तेज करेंगे तो तेज ले सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्रीन में हमारी बिल्कुल खराब है। तो अब हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, 94 किलोमीटर जा चुके हैं, 94 किलोमीटर। अच्छा इनको हॉर्न देते रहो तो ये नहीं हटते, जब क्रॉस करके हम इंडिकेटर ऑन करते हैं तो फिर ये साइड में आ जाते हैं, देखिए बिल्कुल ब्रेक लगा लेते हैं, हॉर्न बताते रहो बिल्कुल नहीं सुनते, अपनी मर्जी से चलाते रहते हैं कंप्यूटर है ना, अपनी मर्जी के साथ ड्राइव करते रहते हैं। तो अभी हमने जाना है यहाँ से मेरे ख्याल से टर्न करना है, यहाँ से हमने टर्न करना है नीचे की तरफ राइट साइड पर, राइट साइड पर हमने टर्न किया, टोल के नीचे से आगे जाएंगे टोल के ऊपर। बारिश भी बहुत तेज है यहाँ पे, मुश्किल भी है कि अगर आप स्पीड ज़्यादा लगाते हैं और टर्न करते हैं तो फिर गाड़ी उल्टी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही एहतियात से चलते हैं क्योंकि गाड़ी लोड है और स्पीड भी फुल है, जो उसको जितनी उसकी पावर है और वन वे रोड आ गया गाड़ी। इस तरह का ठंडा मौसम देख के मुझे यहाँ बैठ के ठंड लग रही है, सर्दियों की बारिश होती है ना, शुरू हो जाए तो फिर रुकती नहीं है। क्रॉसिंग वाला जो काम होता है यहाँ से फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उसको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश भी होती है, हम उसको जाना मिस ना कर दें, क्योंकि जब भी हम कोई रूल को मिस करते हैं तो फिर हमारी टक्कर हो जाती है किसी गाड़ी के साथ। इस पर भी फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जब इसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, जब भी गाड़ी आपकी लग जाती है तो फिर आपको मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, वो भी पैसों से होती है, तो इसलिए ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो आपने दोनों तरफ टर्न करना है तो देख लीजिए आपके पीछे साइड पर गाड़ी नहीं आ रही, इससे आपको अपना फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो है ना हमारी एक ब्रेक नहीं लगती, सिग्नल हमने ब्रेक किया है, अब हमने चौक आ गया, चौक से हमने आगे जाना है लेफ्ट साइड पर, स्पीड में लगा सकते गाड़ी उल्टी हो जाएगी, ज़्यादा स्पीड लगाएगी। सिग्नल को मैं ऐसे ही नहीं रखा क्योंकि सिग्नल बाल जैसा इतने लंबे रख जाते हैं तो उनके दो दो पाँच पाँच दस के सीमेंट उनके लिए देखना पड़ जाता है, तो इसलिए फिर मैंने सिग्नल को जो है ना स्किप कर दिया। यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि हम पहली बारी में इसको अच्छी तरीके से पार कर लें,
टाइम ज़्यादा लगने वाला है। ये हमारी पार्किंग होगी। तो अब हमारी गाड़ी जो है वो खाली हो चुकी है। गाड़ी में जाना क्या करेंगे खाली गाड़ी होने तो भागती थी। गाड़ी को बंद करने लगेंगे। आई होप कि आपको ये सफ़र हमारा पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।